मैं फर्स्ट ओडीआई के जो टीम है ना 15 वो बता रहा हूँ। इमामुल हक, आबिद अली, फखर जमान, बाबर आजम, हारिस सुहेल, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, बुजदिल शाह, फहीम अशरफ, माद वसीम, उस्मान कादिर, वहाब रियाज, शहीन शाह, हारिस राउफ और मूसा खान। देखें जी, ये अभी हमने फर्स्ट ओडीआई के लिए टीम अनाउंस की है और देखें आप यंगस्टर को भी हमने इंक्लूड किया है इसमें और कोशिश यही होगी कि जो अच्छा कम्बिनेशन होगा उसी वही खिलाएं। और जैसे कि उस्मान कादिर, अनफॉर्चुनेटली शदाब खान नहीं है पहले वनडे में और उसकी जगह उस्मान कादिर को उसकी जगह रखा है और कोशिश यही होगी कि यंग और सीनियर का कम्बिनेशन से खिलाएं। जी, थैंक यू बाबर। मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा। प्लीज चैट में मुझे रिक्वेस्ट अपनी कर दीजिए क्वेश्चंस के लिए ताकि हम इसको कर सकें। जी, पहला क्वेश्चन मोहित शाह साहब एंड देन दानियाल प्लीज। जी, अस्सलाम वालेकुम बाबर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाबर, ये बताएं कि ये एक तरह से हमारे अपने डोमेस्टिक इंटरनेशनल जो सीजन है, जो डोमेस्टिक हम शुरू करते हैं पाकिस्तान में, उसका एक आगाज भी है जिम्बाब्वे सीरीज। और इस सीरीज के बाद हमने काफ़ी इंटरनेशनल एक्टिविटीज आपने करनी है और पाकिस्तान की काफ़ी तो आप समझते हैं कि ये जो सीरीज है ये ट्रेंड सेट करेगी और पाकिस्तान का जो आने वाला इंटरनेशनल जो शेड्यूल है, अगर आपको यहाँ अच्छी परफॉर्मेंस आपने दी तो ये आगे भी आपको एक बूस्ट मिलेगी इसमें? प्लीज। जी बिल्कुल, जिम्बाब्वे सीरीज उससे पहले डोमेस्टिक टूर्नामेंट हुआ था और उसके बाद अभी जिम्बाब्वे सीरीज स्टार्ट होने वाली है कल से, तो काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस में और कोशिश ये होगी कि इस कॉन्फिडेंस को हम ये जो स्टार्ट है वो हमारी अगली सीरीज पे भी इफेक्ट पड़ेगा। कोशिश यही होगी कि अच्छा स्टार्ट दें, अच्छा फिनिश करें। पहले वनडेज हैं, हमारा फोकस अभी वनडेज पे है और जब T20 आएगा तो T20 के बारे में सोचेंगे। तो बिल्कुल ये जब क्योंकि आगे बैक टू बैक सीरीज हैं तो मेरे ख्याल से ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है और जिम्बाब्वे की टीम को आप कभी, कोई भी टीम हो इंटरनेशनल की, आप उसको इजी नहीं ले सकते और आप उनके भी एक्सपीरियंस प्लेयर्स आए हैं और कोशिश यही होगी कि हम 110% दें। जी दानियाल, देन आरफा। जी इस्लाम बाबर। वालेकुम सर। बाबर, 2015 के वर्ल्ड कप के बाद इंग्लैंड ने एक डिफरेंट कप्तान, एक डिफरेंट फिलोसफी के साथ ओडीआई क्रिकेट शुरू की थी। एक लिहाज से ये 2019 के वर्ल्ड कप के बाद अगली साइकिल के पहले मैचेस हैं। हमारा एपी एक नया कैप्टन है, आप हैं, तो आप जरा शेयर करेंगे कि T20 कैप्टनसी और वनडे कैप्टनसी के अंदर क्या आपको फर्क नजर आते हैं और आप किस तरह ओडीआई, आपकी क्या फिलोसफी है ओडीआई गेम को अप्रोच करने की? देखें, T20 में आप कोशिश यही होती है कि अग्रेसिव खेला जाए और क्विक आपको फैसले लेने पड़ते हैं, क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो वनडे में आपको थोड़ा सा आपको टाइम मिलता है और अब मेरी पहली सीरीज है और कोशिश यही करूंगा कि जो मुझे T20 से मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं वनडे में वो यूटिलाइज करूं और कोशिश करूं कि मेन थिंग यही है कि मेरी फिलोसफी ये है कि आप जब लड़कों को सपोर्ट करेंगे, जब आप लड़कों को बैक करेंगे तो वो लड़के आपके लिए 110% जान लगाएंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छे रिजल्ट आए। तो मेरे ख्याल से यही है कि आप लड़कों को बैक करें और जो आपके पॉसिबल 11 साइड होगी तो उस हिसाब से हम फिर इंशाल्लाह आगे तो उसके प्रिपरेशन करेंगे। जी आरफा। अस्सलाम वालेकुम बाबर, आरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज़। बाबर, आपके जिस तरह आप बल्लेबाजी में जो है वो फ्लरिश कर रहे हैं, आपकी इस वक्त फिलहाल जो है वो जो भी बात टेक्निक पे होगी वो पत्थर पे लकीर की मायने होगी। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने हैदर अली के साथ भी खेला है, आपने अब्दुल्ला शफीक के साथ भी खेला है, इन दो यंगस्टर्स के बारे में स्पेसिफिकली मैं पूछना चाहूंगा कि इनका फ्यूचर आपको कैसा नजर आ रहा है, वाइट बॉल में कैसे लग रहे हैं और टेस्ट क्रिकेट में जो है वो इनका किस तरह का आप मुस्तकबिल देखते हैं? जी बिल्कुल, उनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है और मुझे काफ़ी दोनों पसंद हैं और डिफरेंट टेक्निक के प्लेयर्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स हैं। हैदर अली एग्रेसिव खेलता है और कोशिश ये होती है कि वो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेले। अब्दुल्ला शफीक का ये है कि वो थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन वो जब सेट हो जाता है तो वो अपनी नेचुरल गेम खेलता है और कोशिश करता है कि डोमिनेट करे। तो दोनों की डिफरेंट टेक्निक है लेकिन मेरे ख्याल से हमें जो यंगस्टर मिले हैं वो बहुत आउटस्टैंडिंग है और इंशाल्लाह कोशिश ये होगी कि
जो मेरे से होगा उनको बैक करूंगा, और जो टेक्निक जो भी मैंने सीखा है, जो मैंने अपने इतनी देर में जो सीखा है, जो बड़ों से सीखा, तो कोशिश करूंगा उनको पास ऑन करूं। जी अब्बास। थिंक अब्बास को आवाज नहीं जा रही। जी जोजी भाई, रिजवान भाई, आप प्लीज क्वेश्चन करिएगा। ओके जिशान, आप प्लीज करिएगा, देन अली। जी बाबर, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि माशाल्लाह से पहली सीरीज आपकी जा रही है और आगे भी आपके बहुत सारे एम्स हैं, तो आप गोल्स क्या सेट कर रहे हैं वनडे के और T20 के, इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि आप आगे आपकी क्या प्लानिंग है और किस तरह से आप टीम को लेकर जाना चाहते हैं, अप्रोच किस तरह की होगी आप? गोल्स यही होता है हमेशा, जो भी सीरीज होती है कोशिश पहले वही होती है कि उस सीरीज को जीता जाए, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाए, उनको बैक किया जाए, तो कोशिश ये होती है स्टेप बाय स्टेप आप चलें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता है। गोल्स मैं एज अ प्लेयर, मैं जब खेलता था या एज अ कप्तान मैं सोचता हूँ, तो मेरी फिलोसफी यही है कि आप सीरीज टू सीरीज अपने गोल सेट करते हैं, फिर अगली सीरीज जब आती है तो आप फिर गोल सेट करते हैं, क्योंकि होम सीरीज में डिफरेंट सिचुएशन होती है और कंडीशन डिफरेंट होती है, जब दूसरी सीरीज होती है तो दूसरे डिफरेंट प्लेयर्स होते हैं, डिफरेंट टीम होती है, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, तो उसी हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं। तो कोशिश मेरी यही है कि जो अभी हमारा जिम्बाब्वे टूर है वो अभी फोकस वही है कि हम 110% दें और ये सीरीज जीतें। जी अली एंड देन शाकिर। रिकॉर्ड देखें तो बहुत बेहतर है, तो आप किस स्ट्रेटजी, किस अंदाज की होगी, कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं उनके जिनको आप लोग ज्यादा टैकल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रैंडन टेलर भी काफी एक्साइटेड है, आज गाड़ी है कुछ तंग के लिए बनाई गाड़ी के लिए। अली आपकी आवाज नहीं आ रही, अली बहुत कम आपकी आवाज है, प्लीज रिपीट कर देता हूं। बाबर, बड़े तवील अरसे के बाद जो है जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान में खेल रही है, कुछ खास प्लेयर्स ऐसे हैं जिनके लिए आपने स्ट्रेटजी प्लान बनाया है या पूरी टीम को ही आपने उसमें प्लान रखा हुआ है कि उनको जल्द से जल्द आउट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखें उनके काफी एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, 4 से 5 जो उनके बहुत पुराने प्लेयर है, एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, बिल्कुल उनके अगेंस्ट हमने प्लानिंग की है, ये नहीं कि उन 4-5 प्लेयर्स के अगेंस्ट प्लानिंग की, हमने ओवरऑल पूरी टीम के अगेंस्ट प्लानिंग की है, तो कोशिश यही होगी कि जो हमने प्लानिंग की उस पर स्टिक रहे। जी शाकिर। बाबर, शाकिर बात फ्रॉम नियो न्यूज, छोटे छोटे दो कमेंट चाहिए आपके। एक तो आप अब कंप्लीट वाइट बॉल कैप्टन बन गए हैं, एक जो एतमाद आपके अंदर आया है वनडे की कैप्टनसी मिलने के बाद वो बताइएगा, और दूसरा हमने देखा है कि रिसेंट पास में श्रीलंकन टीम पाकिस्तान आई, थोड़ा सा इजी लिया जिस तरह सा लग रहा था और वो हमें वाइट वॉश करके चले गए, तो जिम्बाब्वे टीम को भी तो उस तरह से कोई अप्रोच, वो कोई ईजी अप्रोच तो नहीं ले रहे आप, और एक अनएक्सपीरियंस टीम के साथ आप जा रहे हैं उनके मुकाबले में? देखिये मैंने पहले भी बोला है कि जो सी मर्जी टीम हो आपको उसके अगेंस्ट इजी नहीं होना पड़ता, कोशिश यही होती है कि जो आप बाकी टीम्स के अगेंस्ट प्लानिंग करते हैं, फोकस रखते हैं, जो आपका वे ऑफ देखने का तरीका होता है, वो मेरे ख्याल से कोशिश यही है कि हम उसी हिसाब से खेलें जिस तरह हम इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलते हैं, बाकी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते हैं, तो हम इस टीम को ईजी नहीं ले सकते, और यही मैसेज दिया है लड़कों को, पूरी टीम को, कि कभी रिलैक्स नहीं होना, जो आपकी गेम है, जो आपका आपको लगता है वो आप अपना 110% दें। और दूसरा जी बिल्कुल बिल्कुल T20 के बाद वनडे की कप्तानी मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ, और जो एक्सपीरियंस मुझे T20 से आया है वो अप्लाई करूंगा वनडे में। जी अब्बास, आपको अब आवाज आ रही है, प्लीज आप क्वेश्चन करिएगा, पहले भी आपको किया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब्बास आपको आवाज आ रही है? Yes, good morning. Can you hear me? Dean, I will come to you. I'm just doing... I apologize. Yeah, yeah, sure. I will come to you question, please. Abbas, aapko awaaz aa rahi hai, please. Okay, Amir, aap question kariyega, please. Assalamu alaikum, Babar.
बाबर ऑब्वियसली पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है, हमें इसमें तो कोई शक नहीं है, और जिम्बाब्वे की साइड भी एक्चुअली हम जानते हैं कि स्ट्रेंथ्स वगैरह, मगर मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये एज अ बैट्समैन कि कितना टफ है ये, क्योंकि आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन होगी कि क्योंकि जिम्बाब्वे आपसे और आपके आपके सारे बैट्समैन पे काफी एक्सपेक्टेशन होगी आप अच्छा स्कोर करेंगे, तो कितना प्रेशर हो जाता है आपके? देखें फिर वही बात आती है कि किसी भी टीम के अगेंस्ट आप जब खेलते हैं तो आपने अपने इंडिविजुअल गोल्स बनाए होते हैं और प्रेशर बिल्कुल, इवन कि मैं डोमेस्टिक का मैच खेलूं क्लब का मैच खेलूं, प्रेशर एज अ बैट्समैन आपके ऊपर रहता ही, आप जितनी मर्जी परफॉर्मेंस कर लें पास में, तो आप ऑन डे आप जब मैच खेलते हैं तो आप में थोड़ी सी नर्वस होती है, कोशिश यही होती है कि वो ओवरकम किया जाए। और देखें बिलीव रखता हूँ अपने आप पे, जो मेरी स्ट्रेंथ है और जो मेरा बिलीव है उसको मैं बैक करता हूँ, और कोशिश ये होती है कि जो मेरी गेम है वो जाके अप्लाई करूँ। और दूसरा ये कि मैं जो टीम मेरे इर्द गिर्द खेलती है तो यही होती है कि मैं जितना देर अंदर हूँ खुद भी खेलूँ और बाकी लड़कों को भी खिलाऊँ। जी जी आपकी आवाज आ रही है, आप क्वेश्चन करिएगा प्लीज। अब्बास आपकी आवाज, अब्बास प्लीज। जी रजा अब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है बिल्कुल। मैं कर लूं क्वेश्चन रजा, इजाजत है? जी 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 बिल्कुल। बाबर भाई ये बताएं कि रावलपिंडी में मैच हो रहा है फैंस के बगैर, वैसे ओवरऑल क्रिकेट आपको कैसी लग रही है, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? बिल्कुल जी फैंस के बगैर तो खेलने का, या फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं? नहीं फॉर्मेलिटी तो पूरी नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखें मजा भी नहीं आता जब फैंस होते हैं तो आपका एग्रेशन, जब आपको लोग सपोर्ट करते हैं बाहर से तो चेयर अप करते हैं तो वो एक्साइटमेंट ही कुछ और होती है। अनफॉर्चुनेटली अलाउ नहीं है कोविड की वजह से, तो काफ़ी मिस करते हैं फैंस को, जिस तरह नेशनल T20 में भी लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया था, बैक किया था, तो उम्मीद करता हूँ कि इस सीरीज को भी देखें और बैक करें, और इंशाल्लाह वेट करेंगे जब भी इंशाल्लाह कोविड का ये सब ठीक होगा तो हम आपको दोबारा देखेंगे इंशाल्लाह, और आप हमें देखेंगे दोबारा। ओके नाउ वी मूव ऑन टू द इंग्लिश क्वेश्चन प्लीज वाजिफ एंड डीन भाई, मेरा भी सवाल ले लें। जी बदी मैं लेता हूं प्लीज। जी बदी आप क्वेश्चन कर लें फिर मैं इंग्लिश जाता हूं प्लीज। बाबर ये बताइएगा अभी खबरें चल रही है कि कोरोना की वजह से जो है खिलाड़ी जो है सिर्फ स्टेडियम से होटल, होटल से स्टेडियम, काफी थोड़ा सा डिप्रेशन के भी शिकार है थोड़ा सा वो है, और दूसरा बातें सामने आ रही है कि शायद कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो वो कप्तानी के लिए लॉबिंग शुरू कर देता है, ऐसा है कि बाबर ने भी कोई लॉबिंग शुरू की है तभी टेस्ट की कप्तानी के लिए जा रहे हैं? आवाज बिल्कुल नहीं है। हाँ नहीं देखें बिल्कुल जो फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, जो इंग्लैंड में हमें प्रोवाइड की थी यहाँ पे भी वैसे ही है, और देखें अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे, लेकिन जो फैसिलिटीज पीसीबी ने प्रोवाइड की है उसे सब लड़के हैप्पी हैं और इंजॉय कर रहे हैं, और जो टाइम हमें जिस तरह हमने टाइम इंग्लैंड में गुजारा था वही टाइम हम यहाँ पे एक दूसरे से दूसरे के साथ गुजारते हैं और इंजॉय कर रहे हैं, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, कोई हम स्ट्रेस में नहीं है, सब लड़के एंजॉय कर रहे हैं। कप्तानी के वाले से तो टेस्ट की कप्तानी मेरे ख्याल से अभी आप जिम्बाब्वे की बात ही करें तो ज्यादा अच्छा है, अभी फोकस इधर ही है, जब सीरीज के बाद जब कोई ऐसा कैसी ऐसी बात होगी तो फिर उस पर बात करेंगे। थैंक यू जी डीन कैन यू आस्क द क्वेश्चन प्लीज। Yes, good morning to you, Baba. The last time Pakistan toured Zimbabwe was back in 2018, and it was a very one-sided affair. Pakistan won all the games very comfortably. Are you hoping for a bit more competition this time round, for a bit more competitiveness? Definitely, इस बारी competition अच्छा होगा क्योंकि उनके काफी players आए हैं, experienced players आए हैं, तो आप डिफरेंट क्रिकेट देखने को मिलेगी, और कोशिश ये होगी कि हम
डोमिनेट करें और जो हमारी स्ट्रेंथ है उस पर रहें, और इन T20 में जैसा हमने जिम्बाब्वे में खेला था उसी तरह से हम यहाँ पे भी खेलें और वाइट वॉश करें. Dean, he said that definitely the Zimbabwe side is very good and we have taken them very seriously and we have also a very good side and we will try to dominate. And the last series which we played in the Zimbabwe T20s, we would like to play a series like that and we will try to win this series. Thank you. Basif. वालेकुम बाबर, मेरा ताल्लुक cricketside.bk की वेबसाइट से है. बाबर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह हमने पहले भी माजी में इस तरह की ऑपोजिशंस को हम काफी लाइटली लेते हैं, तो क्या जिम्बाब्वे को आप लाइटली लेंगे, क्या आप एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ जाएंगे या फुल स्ट्रेंथ लाइनअप बाबा में खिलाते हुए नजर आएंगे? देखें, बात मैंने पहले भी बोली है कि आप किसी भी टीम को इजी नहीं ले सकते, और अभी जो इनकी टीम आई है, जो हम 2000 पहले उनके होम सीरीज में खेलने गए थे तो उनकी डिफरेंट टीम थी. अब जो उनकी टीम आई है, उनके एक्सपीरियंस प्लेयर्स आए हैं, जो उनके सारे प्लेयर खेलते रहे हैं थ्रू आउट, तो वो आई हैं, तो हम उनको इजी नहीं ले सकते. तो कोशिश ये होगी कि हम सीनियर जूनियर का कम्बिनेशन खिलाएं और जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ थी उसको भी हम यूटिलाइज करें, जो जिनको चांस नहीं मिला उनको चांस दें, जैसे खुशदिल हो गया, उस्मान कादिर हो गया और जफर गोहर हो गया. तो कोशिश ये होगी कि हम इन तीनों वनडेज में शफलिंग करते रहें और जो नए लड़के आए उनको चांस दें. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. पाकिस्तान टीम अब अपनी प्रैक्टिस करेगी और जिम्बाब्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस इन 5 मिनट्स प्लीज. आपको लिंक शेयर आपके साथ हो जाता है. थैंक यू.